Chef, what you should. हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुबान केसरी। देखिए अब तक तो बार बार एजुकेशन मिनिस्टर ये कहते जा रहे थे कि किसी तरीके का पेपर लीक का मामला नहीं है, पर बिहार का जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है बिहार पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी, वो कह रहे हैं कि इंटर स्टेट गैंग है जो कलूट करता पेपर लीक कराता है, उनके पास पोस्टडेटेड चेक है, एड्रेस कार्ड है, उनकी रिजल्ट जो है मार्कशीट जो है वो भी उन्होंने बरामद की है, कन्फेशनल स्टेटमेंट है, 12 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। और वैसे ही अब गुजरात का मामला सामने आ रहा है कि ऐसे कोचिंग क्लासेस और जो ये कहती हूँ ये जो डीलर्स हैं ब्रोकर्स हैं उन्होंने मिलकर और ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उन्होंने मिलकर पेपर को लेट लीक किया है, जो बच्चे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे थे और पैसा देने को तैयार थे उनके सवालों के जवाब भी लिख कर दिए हैं। तो ये किस तरीके की परीक्षा है जहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और पैसे के बल से लोग अब डॉक्टर बन जाएंगे। तो बार बार मैंने कहा, मैंने चिट्ठी भी लिखी है कि इसकी स्थिति अनुसार ये कहूंगी जो उन्होंने कहा सरासर गलत है, जो उन्होंने चिट्ठी दी कश्मीर को लेकर वो बिल्कुल ही मिल गए हैं और जम्मू और कश्मीर देश का कभी नहीं है और कोई भी इसमें दरार डालने की कोशिश करेगा तो हम उसको प्रोटेस्ट करेंगे। पर साथ ही साथ सवाल ये उठता है कि 2010 का ये मामला है, 10 साल से केंद्रीय सरकार मोदी जी की है, वही मोदी जी वही यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहते हैं पाकिस्तान को सुपर सीना दिखाएंगे लाल 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 दिखाएंगे, वो आज तक इस मुद्दे से लेकर चुप क्यों थे? 10 साल के बाद जब तीसरी सरकार बनी है कम मेजोरिटी की सरकार बनी है वो इस पर कार्रवाई की बात करते हैं तो दिखाता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ये डिसीजन है ना कि एक सही डिसीजन जो देश के लिए है। पर जो भी मैं कहूँगी मैं फिर से दोहराऊंगी कश्मीर को अलग हिस्सा बताना बिल्कुल ही निंदनीय है। मैं उसके बारे में मैं कहती हूँ कि मैं उसको प्रोटेस्ट करती हूँ आई एम आउटरेज, पर वो बात 2010 की कही हुई है उसको फिर से वापस मेन स्ट्रीम में लाना कहीं ना कहीं गलत होगा क्योंकि 370 धारा हट चुकी है, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे और बदलाव आए हैं। ये बात है कि आतंकी हमलों में किसी तरीके से कमी नहीं आई है, पर उम्मीद करती हूँ कि केंद्र सरकार उसका संज्ञान लेकर पाकिस्तान से ये प्रायोजित जो टेररिस्ट हैं उनको नीचे गिराते हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र के नतीजे आने के बाद लोकसभा के नतीजे को मैं कहती हूँ फेलर है, इसका पूरी अभी असेंबली के समय से बाकी है, जो जनता सुपरहिट बॉक्स ऑफिस में वापस महाविकास अगाड़ी को भेजने वाली है, उसी के चलते आपस में जो हम देख रहे हैं खींचातनी चल रही है। NCP आरोप लगा रहा है एकनाथ शिंदे पे, एकनाथ शिंदे आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे, RSS आरोप लगा रहा है अजीत पवार से, और अजीत पवार की खुद की पार्टी के अंदर जो अंदरूनी कलह मचा हुआ है, चाहे वो छगन भुजबल जी हों जो राज्यसभा जाना चाहते थे, इससे पहले वो लोकसभा नासिक से लड़ना चाहते थे उनको डिनाय किया गया था, तो आपस में जो ये हो रहा है काफी इंटरनल काफी है वो एक इशारा दे रहा है कि ये तीनों जो गठबंधन बनाकर लाए थे ये सरासर झूठे इरादों पे आए थे, सत्ता में रहने के इरादों से आए थे, सत्ता के अहंकार से चलते आए थे और आज देश महाराष्ट्र की जनता ने उनको नकारा है क्योंकि उन्होंने सच्चाई देखी है और उन्होंने न्याय के साथ खड़े हुए हैं, सत्य के साथ खड़े हुए हैं और उनको झूठो जवाब दिया है। ये तो अभी शुरुआत है, आप देखिए इनके बीच में सत्तर जीते भी चलने की आसार दिक्कत सामने आया है लगातार। देखिए अब तक तो बार बार एजुकेशन मिनिस्टर ये कहते जा रहे थे कि किसी तरीके का पेपर लीक का मामला नहीं है, पर बिहार का जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है बिहार पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी, वो कह रहे हैं कि इंटर स्टेट गैंग है जो कलूट करता पेपर लीक कराता है, उनके पास पोस्टडेटेड चेक है, एड्रेस कार्ड है, उनकी रिजल्ट जो है मार्कशीट जो है वो भी उन्होंने बरामद की है, कन्फेशनल स्टेटमेंट है, 12 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। और वैसे ही अब गुजरात का मामला सामने आ रहा है कि ऐसे कोचिंग क्लासेस और जो ये कहती हूँ ये जो डीलर्स हैं ब्रोकर्स हैं उन्होंने मिलकर और ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उन्होंने मिलकर पेपर को लेट लीक किया है, जो बच्चे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे थे और पैसा देने को तैयार थे उनके सवालों के जवाब भी लिख कर दिए हैं। तो ये किस तरीके की परीक्षा है जहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और पैसे के बल से लोग अब डॉक्टर बन जाएंगे?
बार बार मैंने कहा, मैंने चिट्ठी भी लिखी है कि इसकी छुट्टियाँ नहीं। और बार बार एजुकेशन मिनिस्टर का ये दावा देना कि कोई पेपर लीक नहीं है, उनका झूठ साबित करता है और दिखाता है कि केंद्र सरकार ऐसे लोगों को इको सिस्टम को बिल्ड होने दे रही है जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं फिर से कहूंगी इसमें फ्री एंड फेयर प्रोब होना चाहिए, टाइम बाउंड प्रोब होना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन बहुत ही जरूरी है इसके तह तक पहुंचने के लिए। कहूंगी जो बार बार आरएसएस की तरफ से आए जा रहे हैं इसके, वो जब वो कहते हैं ना अपश्चाय हो क्या जब चिड़िया चुड़ गई थी, आरएसएस गांधारी बनी रही जब आपने देखा शिवसेना से कैसे दो फाट किए, वो गांधारी बनी रही जब महंगाई का मुद्दा था, वो मूक दर्शक बनी रही जब वो देख रहे थे कि अहंकार के चलते किस तरीके से केंद्र सरकार हर तरीके से नाकामयाब हो रही थी, जनता की बात ना सुनकर सिर्फ मन की बात हो रही थी। ये तब तक गांधारी की तरह बने हुए थे जब तक राम दर्शन राम मंदिर को लेकर इन्होंने पूरी राजनीति की और उसी के चलते वोट पाने की कोशिश की। अब आकर जो बयानबाजी हो रही है, जो कोर्स सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, यही कोर्स सिलेक्शन अगर इन्होंने पहले कर लिया होता तो शायद जनता को किसी तरीके से राहत थी। इनको कम मैंडेट मिलना, मेजोरिटी से कम मैंडेट मिलना, ये संदेशा देता है कि देश की जनता इनसे त्रस्त है और आने वाले समय में ये सरकार पूरा अपना 5 साल का कार्यकाल नहीं। मैं बस यही कहूंगी कि जो गलत है उसको गलती की सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो पावरफुल हो, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हो, सिटिंग चीफ मिनिस्टर हो, अगर कोई गलती हुई है और गलती का भूल सुधार करने की जिम्मेदारी हर सारी जांच एजेंसी की होती है, हर जुडिशरी की होती है। तो जो येडियुरप्पा जी का हाईकोर्ट ने कहा है कि फॉर्म लेकिन मैरी, वैसे ही बयानबाजी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, वैसे ही सेम चीज लागू क्या सिटिंग चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन के ऊपर में भी, जिनको इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि पॉलिटिक्स के चलते उनको जेल में डाला हुआ है, क्या ये सेम चीज लागू चीफ मिनिस्टर दिल्ली के लिए नहीं होगी अरविंद केजरीवाल जी के लिए जिनको जेल में डाला हुआ है? तो ये जो जुडिशरी को भी देखना होगा कि किस तरीके का इन्वेस्टिगेशन के बाद ये उनके बयान आ रहे हैं, ये एक स्पेशल एक्ट है और मैं कहूँगी कि जो गलत हुआ है गलती की सजा अगर हुई है तो गलती की सजा भुगतना भी हमारा एक कर्तव्य होता है। तो जुडिशरी एक्ट उनका लेटर बस यही है, ऐसे मुद्दे को लेकर है जो न्यूज को लेकर है कि किस तरीके से उस पर पर्दा छुपाने का पर्दा डालने का काम किया जा रहा है, किस तरीके से सीबीआई इन्वेस्टिगेशन से बचने का काम हो रहा है। मैं बार बार यही दोहराऊंगी कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की तह तक पहुँचना जरूरी है, सच्चाई तक पहुँचना जरूरी है, क्योंकि पेपर लीक का मामला सिर्फ न्यूज को लेकर नहीं, इतने सारे देश भर में पेपर लीक हुए हैं। युवा आक्रोशित है, एक तरफ जो युवा ग्रेजुएट बन जाता है डिग्री पा लेता है वो बेरोजगारी से त्रस्त है, दूसरी तरफ जो युवा प्रिपेयर कर रहे होते हैं अंडर ग्रेजुएट करने के लिए, वो सपने लेकर एक एक साल तक तैयारी करते हैं, उनके उनकी तैयारियों पे और मेहनत पे पानी फेर दिया जाता है और केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, ये दुर्भाग्य। तरीके से इलेक्शन काउंटिंग वाले दिन धांधली हुई है नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट को लेकर, सरासर दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है जिसको क्लीन फेयर इलेक्शन रखना चाहिए था वो अपने काम से भी विफल रहा है। किस प्रेशर के चलते इन लोगों ने 19वें राउंड के बाद काउंटिंग अनाउंस करना बंद कर दिया था? किस प्रेशर के चलते आपने उनके साले को मोबाइल लेकर आने दिया था? किस प्रेशर के चलते आप उनको जब अमोल किसी कर भी सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं आप उनको सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहे? किस प्रेशर के चलते जो वोट में डिस्क्रिपेंसीज हैं, जो वोट पोल हुए हैं और जो वोट काउंटिंग हुई है उसके बारे में आप संज्ञान नहीं ले रहे हैं? किस प्रेशर के चलते आपने उनको विजय घोषित किया? ये सारी चीजें सवालों के घेरे में आती हैं और खुद काफी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने भी इस मोबाइल के बारे में कंप्लेन की थी और इसका संज्ञान पुलिस ने तो लिया था पर इलेक्शन कमीशन इस पर FIR नहीं होने दे रही थी। ये कहाँ तक सही है? ये सबर्बन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो हर चीज में अड़ंगा डाल गए हैं उनको अपने गिरेबान में झांकना होगा, उनको देखना होगा कि क्या वो अपने काम निष्ठा से कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ही दिन रह गए हैं। पिक्चर जैसे मैंने कहा अभी बाकी है, एक बम्पर बॉक्स ऑफिस हिट महाविकास अगाड़ी की सरकार आने वाली है और वो लोग जिन्होंने अपने धर्म का पालन नहीं किया है उनसे कार्रवाई होगी। तो इससे अच्छा ये होगा कि सही सत्य के साथ खड़े रहे और जो इलेक्शन कमीशन का फ्री होना चाहिए वो मुंबई नॉर्थ वेस्ट से लेकर अमोल केसरीकर जी के जिसमें जो वोट पड़ रहे थे वो लीड कर रहे थे और अचानक से अनाउंस कर दिया कि वो हार गए हैं, इस
कार्रवाई होनी चाहिए, वरना सुप्रीम कोर्ट को हम जाएंगे ही, कोर्ट के दरवाजे हम